सर एक्चुअली ये प्रोमो कोड ही है जिसकी वजह से हम अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी शॉपिंग कर पाते थे। बिना प्रोमो कोड अगर डिस्काउंट ना हो तो शॉपिंग नहीं करते थे। बचपन की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, जब पैसे नहीं थे वैसे, नए नए शॉपिंग ऐप्स आए थे। उस टाइम जो था सबसे पहला स्टेप रहता था सर कि फिल्टर अप्लाई करो, और फिल्टर लो टू हाई होता है। जैसे ही शर्ट 1000 के पार जाता था ना, मेरी रेंज वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। मतलब 999 वाज माई अपर लिमिट, और अभी भी वो चीज़ है। तो अगर मैं एज एन मैनेजर चीज़ों को मैनेज कर पाता हूँ तो बस उसी की देन है। स्ट्रगल्स को हम कहते हैं कि बड़ा बुरा समय है, वो तो एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है। मैं अपने बैंक में बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ। किस अहदे पर? एक मैनेजर के अहदे पर। मैनेजर का काम क्या होता है? कम चीज़ों से ज़्यादा काम लेना। तो जब बचपन में चीज़ें नहीं थी, बुक्स नहीं थे, किसी से बुक्स मांगना हो, बड़े भाई के कपड़े इस्तेमाल करना हो, मैनेजमेंट स्किल जो वो सिखाता है ना, वो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। शोभन जी, ऐसे ही एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप हमेशा एक बैंकर ही बनना चाहते थे क्या? सर अगर मैं सही बोलूँ तो, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं इस पूरे देश के कन्फ्यूज्ड यूथ्स का ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे टाइम में जो मिलेनियल्स हैं ना, हमें एग्जैक्टली अपना रास्ता पता नहीं रहता है। हम इधर उधर जाते हैं लेकिन सही रास्ते को पाते ज़रूर हैं। अगर सर आप सच पूछें कि मुझे क्या करना है दिल से, तो मैं राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। अरे वाह। मैं रात में क्या सपना देखता हूँ कि मैं लोकसभा में भाषण दे रहा हूँ। वाह क्या बात है, वो मेरा सपना रहता है, मैं उसको प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो ये चीज़ें, लोगों से मिलना, अब मेरे को, मेरा फेट था एक बैंकर बनना। तो बैंकर के रूप में मैं जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकता था, जितने को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकता था, मैं लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी तकलीफ जानता हूँ। जी जी। अगर मेरा मकसद लोगों की सेवा है तो वो बैंकर होकर मैं उसका प्रोबेशन पीरियड कर रहा हूँ, और एक दिन ज़रूर आएगा सर कि आप ये KBC में भी क्वेश्चन पूछोगे और वो मेरा नाम रहेगा उसमें। बचपन से ही आपको राजनीति में शौक था या कहीं से पढ़ा? कोई एक, किसी एक राजनीतिज्ञ को आपने अपना प्रेरणा स्रोत बनाया होगा? सर बचपन से मुझे राजनीति का जितना भी ज्ञान हुआ है वो मेरे पिताजी के द्वारा ही हुआ है। जी। जब हम छोटे भी थे तो वो मुझे हर एक राजनीतिक के बारे में कुछ ना कुछ कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, उनसे जुड़े कुछ अच्छे किस्से वो बताते रहते थे। और तब से मेरे मन में लगा रहा कि देश निर्माण में जो इनका योगदान रहता है वो अतुलनीय है। जी। तो सर राजनीति जितना सीरियस फील्ड है, उसमें भी रहने के बावजूद अगर किन्होंने अपने ह्यूमर को मेंटेन किया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ओके, ऑलराइट। जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो वहाँ की एक महिला पत्रकार ने उनसे बोला, अटल जी मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, बस मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो अटल जी हमारे उनसे भी बढ़ के निकले, वो उन्हें बोलते हैं ठीक है मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे लेकिन दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, ये बहुत प्रचलित कहानी है। जी हाँ सर। और आपको याद था इसके बारे में? वाह बहुत खूब। सारा श्रेय सर मेरे पिता को जाता है जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी। और इसी के उपलक्ष्य में यदि आपके अंदर कोई आशा हो या कोई अभिलाषा हो तो उसको बताया जाए उसके बारे में। जब KBC नया नया शुरू हुआ था उस टाइम से ही मेरे पिताजी KBC पे आना चाहते थे। अच्छा। और सौभाग्यवश उन्हें कॉल भी आया था पहले राउंड का, परंतु उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिनमें उनकी रुचि नहीं थी। तो उसके बाद से वो KBC की हॉट सीट पर आए नहीं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं उनके सपने के रूप में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ सर मेरे पिताजी यहाँ पर हॉट सीट पर आए और बैठे। सर उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ बुलाइए। बहुत कृपा होगी सर। आइए मान्यवर। आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। बहुत खुश हूँ। आइए स्वागत आपका। मनिवर ऐसा है कि अब आप यहाँ आ गए तो कुछ प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा आपको। पूछा जाए सर। इसीलिए तो उसका नाम गरम कुर्सी रखा गया है।
प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। आ गया है पहला प्रश्न। स्टंप इनमें से किस खेल में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं? स्टंप्स आर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी या ऑप्शन डी शतरंज या चेस। सी क्रिकेट। क्रिकेट। देखें सही उत्तर क्या होना चाहिए। बी क्रिकेट। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई बधाई बधाई। आ रहा है अब एक और प्रश्न। हाँ सर। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से अभी ऑप्शन में से कौन करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर के पिता हैं? Who among these is the father of करीना कपूर खान एंड करिश्मा कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए ऋषि कपूर, बी शमी कपूर, सी रणधीर कपूर या डी शशि कपूर। रणधीर कपूर। लगा दे ताला। जी बिल्कुल सही जवाब दिया बहन भाई का। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आपके पुत्र ने जो आपकी आशा थी वो पूरी कर दी है। कैसा लगा आपको सबसे बहुत पहले? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रघुराम राजन वाले जो जिस प्रश्न में मेरा बेटा दो लाइफ लाइन लिया वो मैं जानता था। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। थैंक यू सो मच।